नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर बलिया से, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की 450 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही है, जिसमें विपक्षी दल बह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण में यूपी की सभी सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। अरुण राजभर ने कहा कि विपक्षी दल नकारात्मक राजनीति कर रही है, जिसके चलते जनता में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए विकास की राजनीति कर रही है, जिससे जनता के मन में सकारात्मक छवि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिससे काम निकल जाता है उसे छोड़ देते हैं, ऐसे में नारद राय ने सपा से नाता तोड़ लिया। जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का चल रहा है, अंतिम दौर में है, कल समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार सातवां चरण का, क्या कहेंगे, किस तरह से पूरे देश की जनता ने जिस तरीके से मूड बनाया है, वह मूड विकास के लिए बनाया है। देश में हर एक गरीब को विकास की गारंटी पाने के लिए देश की जनता, 140 करोड़ जनता ने फैसला कर लिया है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह लहर चल रहा है, वो लहर छठवें चरण तक आते आते वो सुनामी बदल गया है। और ये घोसी और 13 जो लोकसभा सीट पूर्वांचल की बची है, वो देखिएगा सुनामी में विपक्ष के लोग बह जाएंगे और एनडीए के सारे प्रत्याशी भारी अंतर से जीत के दिल्ली की पंचायत में जाकर के अपने क्षेत्रों के विकास के लिए चर्चा करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के काम करने का काम करेंगे। लगता है कितना इस बार सीट निकल पाएगी एनडीए की? देखिए, हम लोगों ने नारा दिया है 400 पार का, और 400 पार का मुझे लगता है कि वो बहुत ही करीब पहुंच चुका है। और 13 सीटों का पूर्वांचल के अन्य राज्यों में जो सीटें बची हैं, अगर वो सीटें सही सलामत सही चीज से चलती रही, तो मुझे लगता है कि 450 पार होने से हमको लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देश की जनता का मूड और जनमानस के बीच में जाने के बाद जो दिख रहा है, जनता में विरोधियों के प्रति बड़ी नकारात्मक बातें हैं। विरोधियों का नाम जनता लेते ही बौखला जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद, वो 4 जून को बड़ा मंगल है और मंगलकारी दिन है, तो मंगलकारी दिन के ही दिन ये विपक्षियों को ऐसे जगह जनता भेजेगी नकार करके कि फिर दोबारा उनका नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति को विपक्ष के लोग कर रहे हैं, चाहे वो संविधान के लेकर के बोल रहे हों, चाहे लोकतंत्र को लेकर बोल रहे हों, चाहे आरक्षण को लेकर बोल रहे हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आरक्षण खत्म करने की कोशिश अपने शासनकाल में किया है, जिन लोगों ने दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ उनका हक मारने का काम किया है, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पिछड़े वर्गों में 2644 जातियों का सर्वे करा करके यह साबित किया कि कांग्रेस पार्टी ने देश के पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया, देश के दलितों के साथ धोखा किया, और उन्हीं के साथ धोखा करने वालों के साथ ही विपक्ष के लोग मिलकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देश के तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, अगड़े वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग मिल करके एनडीए की सरकार बना करके विपक्षियों को ऐसे जगह भेजेंगे जहां इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो जिस तरह से विपक्ष हमला कर रहा है कि कोई रोजगार ना बेरोजगार जो व्यवस्थाएं हैं कहीं नहीं कुछ भी है, विपक्ष तो बेरोजगार हो चुका है। जब सत्ता में थे जनता को इन्होंने बेरोजगार बनाया था, ये बेचारे खुद बेरोजगार हो गए हैं। और मोदी जी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो उनके हित के लिए दे रहे हैं। विपक्ष के लोग जब उनकी सरकार थी तो गरीबों को राशन के नाम पर लूट कर लेते थे, पेंशन लूट लेते थे, आवास लूट लेते थे, शौचालय लूट लेते थे, नाली खड़ंजा पुलपुलिया के पैसे लूट लेते थे, नौकरी के नाम पर। क्या ये श्री शिवपाल यादव जी के कार्यकाल भूल गया है? 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया दे करके यहाँ पश्चिम के नौजवानों को रोजगार दिया जाता था, पूर्वांचल के लोगों को खंडहर में खड़ा किया था, अंधेरे में खड़ा किया था, और आज चमचमाती हुई सड़कें अगर पूर्वांचल में दिख रही है तो एनडीए की सरकार में दिख रही, मोदी जी के कार्यकाल में दिख रही है। अगर पूर्वांचल के लोग लखनऊ अगर 3 घंटा में पहुंच रहे हैं तो ये एनडीए की सरकार में चमचमाती हुई एक्सप्रेस वे पूर्वांचल बना है, तब वहां से लोग जा रहे हैं। आज पूर्वांचल के लोगों को 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही है तो एनडीए की सरकार में मिल रही है। आज ट्रांसफार्मर चल रहे हैं तो 48 घंटे में बदले जा रहे हैं, उनकी सरकार में 6 महीने तक कोई नाम मिलने वाला नहीं होता। आज हर एक गरीब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इनकी सरकार में दंगे होते थे, हर कोई ऐसा साल नहीं होता था जिस साल बवालाश न होता हो, कोई ऐसा साल ना होता था जिसमें कर्फ्यू नहीं लगता हो, लेकिन आज देश के 140 करोड़ जनता ये महसूस कर रही है कि भारत की सभी सीमाएं सुरक्षित है, भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बेहतर है, जनता के हितों के लिए काम हो रहा है। आज गरीब के साथ कोई अन्याय करता है तो बुलडोजर पहुंच जाता है, गरीब को ऐसा लगता है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, पुरानी सरकारों में अन्याय होता था, अब यहां न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई हो गई है। अन्याय करने वालों को जनता ऐसी जगह भेजेगी जहां
उनको नाम कोई लेने वाला नहीं तैयार होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया 80-80 सीट जिता करके देश के प्रधानमंत्री को 400 पार के आंकड़े तक पहुंचाना। अंतिम सवाल, नारद राय जी जो समाजवादी पार्टी के थे, कद्दावर नेता थे, आज बीजेपी का दामन थाम लिया, इससे कितना फर्क पड़ेगा? सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी उनका स्वागत करती है और वो बड़े नेता है, अपने समाज में उनका अच्छा प्रभाव है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको धोखा दिया है, उनको छलने का काम किया है, हर किसी को सिर्फ इस्तेमाल के लिए अपने साथ रखते हैं और जब इस्तेमाल हो जाता है तो उनको टाटा वाइवा कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नारद राय ने जो फैसला किया है वो एनडीए के पक्ष में किया है और वो मजबूती के लिए, मुझे लगता है कि जो कुछ कसर रह गया था बलिया, गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, अन्य जो 13 सीटें हैं उसमें अब वो सारे कसर पूरे हो गए, विपक्षियों का पूरी तरीके से सफाया होगा और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हम लोग कहते रहे हैं अब उसके कगार पर अब जाती दिख रही है, हर जगह उनके टूटन हो रहे हैं। आने वाले समयों में समाजवादी पार्टी के ही नहीं विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी का, देश की जनता 10 साल ऐसे ही चलेगा और भूल जाएगी कि उस देश में कोई कांग्रेस पार्टी भी थी। कितना फर्क पड़ेगा इनके आने से इस बार समाजवादी पार्टी पे? देखिए वो तो फर्क, उन्होंने जो सम्मेलन किया था उस सम्मेलन के बाद से जो जनता का उत्साह है और जनता का जो माहौल क्रिएट हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारी प्रचंड बहुमत से आदरणीय नीरज शेखर जी जीत रहे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं, हमारे पारसनाथ राय जी जीत रहे हैं, जो हमारे सटे हुए 4-6 जिले सीटें हैं वो बहुत अंतर से, विरोधियों की जमानत जब्त होगी हमारे सारे प्रत्याशी भारी अंतर से जीत के दिल्ली पंचायत में जाएंगे और अपने क्षेत्रों के विकास के लिए जनता के बीच में काम करेंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।